इज अ वेल एजुकेटेड वुमेन इज एंटाइटल टू मेंटेनेंस, क्या एक वेल एजुकेटेड हाईली क्वालिफाइड वुमेन एंटाइटल है मेंटेनेंस पाने के लिए? दोस्तों ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट मैं आपसे शेयर करने वाला हूं जो कि हस्बैंड के फेवर में है मेंटेनेंस के केसेस में। दोस्तों ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा इशू आया इस केस में कि क्या एक हाईली क्वालिफाइड वुमेन जो कि अर्निंग वुमेन है क्या मेंटेनेंस पाने के लिए हकदार है। दोस्तों इस केस में 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट ने यह हेल्ड किया कि एक हाईली क्वालिफाइड अर्निंग वुमेन इज नॉट एंटाइटल टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। यानी कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने 2019 में इस केस में यह हेल्ड किया कि कोई भी वुमेन जो कि हाईली क्वालिफाइड है वह डाइवोर्स के केस में अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है। दोस्तों इस केस के फैक्ट्स के बारे में यदि हम बात करें तो इन दोनों हस्बैंड और वाइफ की शादी 2014 में हुई थी। दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हुए क्योंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं खाती थी, इसलिए वाइफ ने 2015 में शादी के एक साल बाद 2015 में डाइवोर्स का केस फाइल किया। लेकिन इस डाइवोर्स के केस में दोनों के बीच में सेटलमेंट हो गया और सेटलमेंट होने के बाद में दोनों फिर से साथ साथ रहने लगे और डाइवोर्स के केस को विड्रॉ कर लिया गया था वाइफ के द्वारा। लेकिन दोनों के बीच फिर से तनाव पैदा हुआ, दोनों के बीच फिर से डिफरेंसेस क्रिएट हुए क्योंकि दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं खा रही थी, इसलिए इस बार हस्बैंड ने 2016 में एक डाइवोर्स का केस फाइल किया वाइफ के अगेंस्ट में। और दोस्तों डाइवोर्स का केस फाइल होने के बाद में वाइफ ने इस डाइवोर्स के केस के दौरान में यह दलील दी, यह आर्ग्यू किया कि 35,000 पर मंथ यानी कि 35,000 रुपए महीना मुझे मेरे हस्बैंड से प्रोवाइड किया जाए एज एन मेंटेनेंस के तौर पर। लेकिन दोस्तों फैमिली कोर्ट ने वाइफ को मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया। तो वाइफ फैमिली कोर्ट के ऑर्डर से अग्रीव्ड होकर अपील फाइल करती है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में दो पॉइंट्स को मेनली ऑब्जर्व किया। पहला पॉइंट जो ऑब्जर्व किया वह यह था कि वाइफ इज वेल क्वालिफाइड, यानी कि वाइफ एक हाईली क्वालिफाइड वुमेन है और अर्निंग वुमेन है। और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने जो दूसरा इस केस में पॉइंट ऑब्जर्व किया था वह यह था कि वाइफ ने अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को, अपनी अर्निंग को और जो इसकी प्रीवियस अर्निंग थी उसको हाइड किया है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया था ठीक से। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इन दोनों पॉइंट के बेसिस पर यह हेल्ड किया फाइनली कि वाइफ इज वेल क्वालिफाइड एंड वेल अर्निंग, और ऐसी वुमेन जो वेल अर्निंग है, वेल क्वालिफाइड है, वह अपनी अर्निंग कैपेसिटी को, अपनी इनकम को डिस्क्लोज करने में अगर फेल होती हैं डाइवोर्स के केसेस में, मेंटेनेंस के केसेस में, तो ऐसी वुमेन मेंटेनेंस पाने के लिए हकदार नहीं है। दोस्तों इस केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है क्योंकि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस को, इस जजमेंट को देते वक्त यह प्रेसिडेंट गोल सेट कर दिया है कि कोई भी वाइफ जो कि मेंटेनेंस पाना चाहती है अपने हस्बैंड से और वह यदि वेल क्वालिफाइड है, हाईली क्वालिफाइड है और वेल अर्निंग है, तो उसको अपनी ट्रू इनकम डिस्क्लोज करनी होगी। यदि वह अपनी इनकम को डिस्क्लोज करने में फेल हो जाती है तो ऐसी वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस पाने के लिए एंटाइटल नहीं है, मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है। तो दोस्तों यह दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आपको कैसा लगा? क्या आप दिल्ली हाईकोर्ट के इस डिसीजन से एग्री करते हैं? दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्ते।